अस्सलाम असल स्टूडेंट्स हिजाब जहरा इज़ हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ़ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेवन दैट इज़ हसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट फर्स्ट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन लॉ इज़ हेनरी हेस दैट्स वाई ऑन द नेम ऑफ दिस लॉ इज़ नोन एज ला लॉ ला लॉ बेसिकली यूज़ होता है इन चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए आपने चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ा होगा इंथालपी इंथालपी क्या था द टोटल हीट कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम किसी भी सिस्टम के अंदर जितना हीट कॉन्टेंट है वो इसकी इंथालपी है ठीक है फिर आपने इसकी डिफरेंट टाइप्स देखी होंगी इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन इंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन एंड इंथालपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है फिर आपने इंथालपी के डिटामिनेशन के डिफरेंट मेथड्स को देखा होगा फॉर एग्जांपल कैलोमीट्रिक मेथड ठीक है जिसमें हम बम कैलोरीमीटर को यूज़ करते थे और ग्लास कैलोरीमीट्रिक मेथड को यूज़ करते थे इन आर्डर टू डिटामाइन दी इंथालपी चेंजेस ठीक है चेंज इन इंथालपी को डिटामाइन करने के लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए आप बर्म कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करते थे ठीक है लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ठीक है प्रॉब्लम क्या है फॉर एग्जांपल सी सी एल फ़ोर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी इन्थालपी को हम डायरेक्टली इन मैथड से डिटर्मन नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल इसके रीज़न क्या है अब फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि हम कहें कि क्लोरीन को आप रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ तो सी सी एल फोर बनेगा ठीक है बट ये इतना सिंपल नहीं होता सी सी एल फोर की फॉर्मेशन हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन में होती है ठीक है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर नहीं होती बिकॉज ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ठीक है तो एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी फॉर्मेशन में तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डायरेक्ट मैथड से आप इसकी इंथालपी को डिटरमाइन कर सको इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट कंपाउंड है जिस तरह से बोरान ऑक्साइड है और एलूमिनियम ऑक्साइड है आपको नज़र आ रहा होगा इक्वेशन में अगर हम कंसिडर करें कि हम बुरान को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ यानी इसकी कम्बसन करवाएं तो आपके पास बुरान ऑक्साइड बन जाएगा ठीक है या फिर अगर आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो आप एलुमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ मींस आप एलुमिनियम की कम्बस्न करवाएंगे तो आपके पास एलुमीनियम ऑक्साइड बन जाएगा बट दैट्स नॉट सो सिंपल इस तरह से नहीं होता ठीक है आप इन मैथड्स के ज़रिए से डायरेक्ट आप इसकी कैलोरीमेट्रिक मेथड्स के ज़रिए से चेंज इन इंथाल्पी को डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये सारे के सारे रिएक्शंस इस तरह से सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं है ठीक है अब बोरान ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसकी हम क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते इसकी रीज़न ये है कि जब आप इनकी कंबस्टन करवाते हैं फॉर एग्जांपल आप बोरान को uh, जला रहे हैं कंबस्ट करवा रहे हैं एल्युमिनियम की कंबस्टन करवा रहे हैं तो जैसे इनकी थोड़ी सी कंबस्टन होती है ना तो साथ ही ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते है। बन हैं ठीक है अपने मटेरियल जो बर्न हो रहा है जिसकी आप कम्बस्सन करवा रहे हैं वहाँ पर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी ठीक है और वो ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्ट करती है फर्दर जो मटेरियल उसके अंदर है उसको वो कम्बस्ट नहीं होने देती उसको बर्न नहीं होने देती ठीक है तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बस्सन होती है इस वजह से आप इन रिएक्शंस की टोटल चेंज इन इंथालपी को डिटरमाइन नहीं कर सकते ठीक है इसी तरह से आपके पास एक और मालिकूलर दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड की भी आप चेंज इन इंथार डिटरमाइन नहीं कर सकते इसकी रीज़न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास अकेला कभी भी नहीं बनता ठीक है ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनेगा ठीक है तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताई इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जीन की डेल्टा एच वैल्यू मींस चेंज इन इंथालपी हम कैलोमीट्रिक मेथड को यूज़ करते हुए डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इस वजह से साइंटिस्ट को जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे मैथड्स को डिवाइस करना चाहिए कुछ ऐसे आपके पास मैथड्स होने चाहिए जिनके जरिए से हम उन कंपाउंडस की चेंज इन इंथालपी को कैलकुलेट कर सकें जिनकी चेंजेस को मेथड से कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो इस पर्पस के लिए हमारे पास एक लार्ज डिवाइस हुआ दैट इज ला ठीक है अब अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें दैट इज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ चेंज दैट इज फिज़िकल केमिकल यानी किसी भी चेंज चाहे वो चेंज फिजिकल है या फिर कोई केमिकल चेंज है ठीक है उस चेंज के दौरान जितनी एनर्जी जितनी हीट इवॉल्व होगी मींस रिलीज होगी निकल रही है सिस्टम से ठीक है या फिर एब्जॉर्ब होगी यानी कि वो सिस्टम के अंदर जा रही है जितनी भी एनर्जी या चेंज या हीट या फिर वो बाहर आ रहा है सिस्टम से ठीक है रिमेन्स द सेम वो सेम रहती है ठीक है वेदर द चेंज टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेप्स ठीक है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो चेंज एक स्टेप में हो रहा है सिंगल स्टेप के अंदर या फिर एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर ठीक है प्रोवाइडेड दैट द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स आर द सेम ठीक है अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपके पास पॉइंट ए है ठीक है आपने मूव करना है फ्रॉम ए टू डी ठीक है अगर आप इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के टर्म में कहना चाहो तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए ठीक है और उससे आपने बनाना है योर प्रोडक्ट डी ठीक है अब ए से डी बनाने के लिए ये आपका पहला स्टेप है एक मेथड है ठीक है या तो आप डायरेक्ट ए से मूव कर सकते हैं टू डी ठीक है अब दूसरा हमारे पास रूट क्या है दूसरा रूट हमारे पास क्या होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ सेकेंड वन ठीक है आप पहले ए से बी की तरफ आएंगे बी से आपने मूव किया टू वर्ड्स सी और सी से आपने मूव किया टू वर्ड्स डी ठीक है अब ला हमें क्या कहता है हैसिस ला ये कहता है कि जो चेंज इन इंथाल ए से डी की तरफ जाने में है यानी एक स्टेप आपका ये हो गया एक मैथड ये हो गया और दूसरा मैथड आपका ये हो गया जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ठीक है तो ला हमें कहता है कि जो एक रूट के अंदर चेंज इन इंथाल पी है ठीक है दैट इज डेल्टा एच ठीक है वो हमेशा इक्वल होगा किसी दूसरे रूट के अंदर चेंजेस इन्थॉल के ठीक है ये आपका दूसरा रूट था ना ठीक है ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं ठीक है जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप की आप चेंजिंग इंथाल पर कैलकुलेट करें डेट इज़ डेल्टा एच वन ठीक है ए से बी में आने में डेल्टा एच वन ठीक है उसको भी आप ऐड करें बी से सी में जाने में डेल्टा एच टू ठीक है उसको भी आप ऐड करें सी से डी में जाने में डेल्टा एच थ्री इनको भी आप ऐड करें ठीक है ये मैंने डॉट्स लगा दिए इट मीनस कि यहाँ पे डेल्टा एच थ्री बी आप लिख सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल इस तरह से ठीक है तो ये भी आपने ऐड कर दिया यानी आपके पास कोई एक फॉर एग्जांपल आपने ए से डी में जाना है ना तो ए से डी की जानेब जाने में चाहे वो आप जाते हैं इस मेथड के ज़रिए ठीक है फर्स्ट रूट को फॉलो करते हुए जितनी चेंज इन इंथालपी होगी वो बराबर होगी अगर आप ए से डी में जाते हैं मेथड नंबर टू को फॉलो करते हुए ठीक है इनके पहले आप ए से बी में जा रहे हैं बी से सी में जा रहे हैं और सी से डी में जा रहे हैं ठीक है तो ये टोटल जितनी भी इंथालपी चेंजेस है वो हमेशा बराबर होंगी पहले रूट के ठीक है यानी डेल्टा एच दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू तो डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन अब हम इसको किसी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं द इंथाली ऑफ कम्बस्सन फॉर ग्रेफाइट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है कि हमने देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन से सॉरी आपका कार्बन मोनोक्साइड बन रहा है ठीक है ग्रेफाइट ठीक है ग्रेफाइट दैट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ठीक है आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में कि कार्बन के हमारे पास डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं डायमंड है ग्रेफाइट है ठीक है तो यहाँ पर ग्रेफाइट से आपने टेंशन नहीं लेनी ठीक है दैट इज जस्ट कार्बन आइटम ठीक है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी अब इसके सिस्टम इसके अंदर कितना चेंज आ रहा है सिस्टम में ठीक है चेंज इन इंथालपी क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है सेकेंडली हमारे पास क्या है कि इंथाल्पी ऑफ कम्बस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अब हमारे पास इंथालपी ऑफ कम्बस्टन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बनानी है आपने कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अगर हमारे पास ये इंथाल्पीज हों ठीक है ना कि फॉर एग्जांपल कार्बन से आपने जाना है कार्बन मोनोक्साइड की तरफ ठीक है देन कार्बन मोनोक्साइड से आपने बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ठीक है ये नहीं वो सिंपल सा ये बात कह रहा है कि अगर आपके पास ये वाली इंथालपी हो ठीक है डेल्टा एच हो ठीक है और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की भी आपके पास चेंज इन इंथालपी वैल्यू हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंथाल चेंज ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड दिस वन ठीक है हमने कहा था ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इंथालपी चेंज को हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा अकेला नहीं बनता ठीक है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता था इस वजह से हमने कहा कि हम डायरेक्ट मैथड से कैलोरीमेट्रिक मेट्रिक मैथड को यूज़ करते हुए उसकी इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन को या इंथालपी ऑफ कम्बसन को कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन हैसिस ला हमारी इस मुश्किल को सॉल्व करता है ठीक है उसने हमें बताया कि अगर आप डिफरेंट मैथड्स जरिए से जा रहे हैं तो आपको किसी दो स्टेप की इन, चेंजेस का आइडिया कैलकुलेट की है तो देन आप कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की चेंज इन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो हमने कहा कि हमारे पास ये वैल्यूज इस तरह से हैं फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्रेफाइट ठीक है ग्रेफाइड की आपने कंबस्सन की तो आपके पास क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है उसकी हमारे पास चेंज इन इन की वैल्यू आई दिस वन ठीक है अब ये थर्ड स्टेप ठीक है थर्ड स्टेप ऊपर वाले डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ ठीक है ये आपके पास था फर्स्ट स्टेप ठीक है ये आपके पास था सेकेंड ठीक है और ये आपके पास था, था थर्ड ठीक है ये फर्स्ट वाले डिफरेंट रूट है आप इसको कह लें कि ये एक रूट आपके पास के आपने कार्बन की कंबस्टन करवाई और कार्बन डाइऑक्साइड बना ठीक है एक दूसरा रूट क्या है कि पहले आपके पास आप कार्बन की कंबस्टन करवा रहे हो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना देन कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ठीक है तो ये सारा हमारे पास एक दूसरा रूट है ठीक है दिस इज रूट नंबर वन एंड दिस इज रूट नंबर टू रूट नंबर टू के अंदर आपके पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो हम हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के जब आप कंबस्टन करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इसकी इंथाल चेंज की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई ठीक है अब अपने डिटरमाइन क्या करनी थी ठीक है अब यहाँ पर ला सॉल्व करेगा हमारे प्रॉब्लम को ठीक है हमारा प्रॉब्लम क्या था बेसिकली कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की कम्बसन को उसकी फॉर्मेशन के इंथालपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ठीक है बाई यूजिंग कैलोमेट्रिक मैथड बट यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं दिस वन एंड दिस वन इट मीन्स कि हम थर्ड वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है और वैल्यू किस चीज़ की है इंथाल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ठीक है अब हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इस तरह से ठीक है कैलकुलेशन में हमारे पास क्या था लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू ठीक है ये डैल एच किस वैल्यू है ये हमारे पास है रूट नंबर वन के रूट नंबर वन के अंदर जितना एनर्जी चेंज आ रहा है आपके पास ठीक है जितना इंथालपी के अंदर चेंज आ रहा है वो हमेशा बराबर होगा इंथालपी चेंजेस ऑफ रूट टू ठीक है ये कोई और रूट आपके पास ठीक है डैल एच वन प्लस डेल एच टू ठीक है अब आपके पास डेल एच की वैल्यू भी है और डेल एच टू की वैल्यू भी है ठीक है आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज ऑफ डेल एच वन ठीक है तो इट मीन्स कि डेल एच उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ठीक है आप बाद में इसको अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डेल एच वन दैट इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एच टू ठीक है तो अब आप इनकी जस्ट पुट करोगे इक्वेशन के अंदर आपने इनकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये इस तरह से आ गया चूँकि ये वैल्यूज माइनस में है तो माइनस में किसी भी जो साइन होता है वैल्यूज़ का वो इंडिकेट करता है कि हीट इवॉल्व हो है सिस्टम में से ठीक है ना तो इट मीन्स कि वो एक्सोथर्मिक थर्मिक हैं ठीक है तो इस तरह से आपने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दैट वुड बी दिस वन ठीक है ये आपके पास आ गई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस तरह से हेसिस ला ने हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ठीक है इस तरह से जिस तरह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट की इस तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स की चेंज इन एंथैल्पीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेसिस ला अब हमारे पास हम देखते हैं अनदर स्टेटमेंट ऑफ हेसिस ला ठीक है हैसस ला की हमारे पास एक और स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इफ़ आ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेफ्रिल डिफरेंट रूट्स कि अगर कोई केमिकल चेंज है वो बहुत डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते करो रहा है ठीक है ये सबसे पहले जब हमने डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पर भी हमने इसकी ये डायग्राम देखी थी ठीक है उसी को अब हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक है कि कोई केमिकल चेंज है फॉर एग्जांपल आपने ए से डी की तरफ जाना है ठीक है तो ये एक रूट हो गया कि आप डायरेक्ट जा रहे हैं ए से डी की तरफ ठीक है द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट by which द केमिकल चेंज occurs ठीक है एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप मूव कर रहे हैं ए से डी की जाने ठीक है फॉर example दिस वन ठीक है ये आपके पास हो गया आपका रूट नंबर वन ठीक है अब दूसरा रूट क्या है कि आप मूव कर रहे हैं ए से बी बी से सी एंड सी से डी ठीक है ये दूसरा रूट आपके पास हो गया जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ठीक है तो हसी हमें ये कहता है कि आप चाहे ए से डी की तरफ जा रहे हैं या फिर आप ए से बी बी से सी एंड देन सी से डी की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो इन दोनों रूट्स के अंदर टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा सेम होगा ठीक है ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आप कहते हैं ना इनिशियल फाइनल स्टेट्स आर द सेम आपने स्टार्ट कहाँ से लिया ए से आप मूव कहाँ तक किए डी तक ठीक है तो इट मीन्स कि आपका स्टार्ट भी सेम है आपकी डेस्टिनेशन भी सेम है फाइनल पॉइंट भी आपका सेम है ठीक है तो इन दोनों रूट्स के दरमियान जो चेंज इन इंथाल होगा वो सेम होगा ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक से ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करते हुए गए हो या फिर आप डायरेक्ट ए से डी के जानेबाप आपने मूव किया है ठीक है तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म अगेन हमारे पास उसी तरह से है कि डेल एच दैट इज इक्वल टू डेल एच वन डेल एच टू एंड डेल एच थ्री मीन्स इन तार ऑफ फर्स्ट स्टेप इन तार ऑफ सेकेंड स्टेप एंड इन तार ऑफ थर्ड स्टेप ठीक है तो इसको हम अगर समिशन की फॉर्म में लिखते हैं हम कहते हैं समिशन ऑफ डाटाइट ये पूरा क्या पूरा साइकिल बन गया ना आपके पास ठीक है तो हम कहते हैं इस साइकिल के अंदर टोटल इंथालपी चेंजेस को अगर आप सम करेंगे तो वो जीरो के इक्वल होगा ठीक है ना इंथालपी चेंजेस को सम अप करने से क्या मुराद है कि मैं कहूँ कि अगर मैं इस डेल्टा एच को भी उठा के ले जाती हूँ इक्वेशन की इस साइड पर ठीक है ये नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस तरह से आपके पास ये जीरो आता है ठीक है मैंने क्या किया इस डेल एच को उठा के आप इक्वेशन की इस साइड पर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो मैं कहती हूँ डेल्टा एच ऑफ साइकिल यानी समिशन अगर आप डेल्टा एच का कह रहे हैं समिशन ऑफ इंथाल्पीज कर रहे हैं दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो वो हमेशा ज़ीरो के बराबर हो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इसके भी हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं ठीक है रूट नंबर वन क्या है इसे आप बोले रूट नंबर वन ठीक है रूट नंबर वन के अंदर क्या है सिंगल स्टेप प्रोसेस ठीक है आप जस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ठीक है तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा ठीक है और इसकी चेंज इन इंथाल क्या होगी माइनस एटी नाइन पॉइंट जीरो एट किलो जाउल मीन्स की एक, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा ठीक है अब एक दूसरा रूट है हमारे पास रूट नंबर टू ठीक है रूट नंबर टू में क्या है कि दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ठीक है तो आपके पास जो चीज़ बनेगी दैट वुड बी सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है और इस रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है दैट इज माइनस फोर्टी एट पॉइंट सिक्स किलो जाउन ठीक है अब दूसरा स्टेप भी है इसके अंदर वो क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठीक है तो वो सोडियम कार्बोनेट बना देगा साथ में वाटर मालिक्यूल रिलीज होगा और इसकी भी स्पेसिफिक आपके पास चेंज इन इन की वैल्यू होगी ठीक है अब आप रिमाइंड करें कि हमारे पास हैसिस ला क्या कहता था हैसिस ला के अकॉर्डिंग डेल्टा एच डैट वुड बी इक्वल टू यानी फॉर एक्ज़ाम्पल किसी एक जो रूट है रूट नंबर वन की इन चेंज की वैल्यू वो हमेशा बराबर होती है रूट नंबर टू की इन चेंजेस की वैल्यू के ठीक है चाहे रूट नंबर टू के अंदर आपके पास एक स्टेप है दो स्टेप है या तीन स्टैप्स हैं या मल्टी स्टैप रिएक्शन है ठीक है तो वो हमेशा डेल्टा एच दैट वुड बी इक्वल टू सम समेल्टा एच वन टू एंड थ्री एंड सो वन ठीक है जितनी भी आपके किसी दूसरे रूट के अंदर स्टेप्स आते हैं ठीक है अगर हम इन सारी यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज पुट करते हैं माइनस एटी नाइन स्लाह के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था डेल्टा एच दैट इज इक इक्वल टू तो डेल एच वन प्लस डेल एच टू ठीक है अगर हम इस पर वैल्यूज पुट करते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज आई सिंगल स्टेप प्रोसेस के लिए दैट वाज इक्वल टू डेल्टा एच और हमारे पास जो तो एक सेकेंड रूट था जिसके दो स्टेप्स इन्वॉल्व थे डैलेच वन एंड डैलेच टू ठीक है इसकी जगह पर अगर हमने वैल्यूज़ पुट की लाइक like दिस ठीक है तो उसके जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं ठीक है इस साइड पर भी माइनस एटी नाइन पॉइंट जीरो एट आया दैट इज़ इक्वल टू माइनस एटी नाइन पॉइंट जीरो एट मीन्स कि आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई और यहाँ पर हमारा हैसला वेरीफाई हुआ कि आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी सम ऑफ समेल्टा एच ऑफ़ अनदर रूट ठीक है फॉर एग्जाम्पल डेल एच वन है डेल एच टू है डेल एच थ्री है एंड सो ऑन ठीक है इस तरह से अभी जो पीछे मैंने आपको बताया कि समिशन ऑफ डेल्टा एच अगर आप चेंज इन इंथाल का सम करते हो उस साइकिल की इंथाल को ओवरऑल देखते हो तो वो हम कहते हैं कि चेंज इन इंथाल ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है यानी यहाँ पे सम ऑफ चेंजेस ऑफ इंथाल क्या होगा ज़ीरो होगा कैसे होगा अब फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा एच उस साइड पर क्वेश्चन के चला गया है ठीक है डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस एटी नाइन पॉइंट ज़ीरो एट ठीक है तो वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी प्लस एटी नाइन पॉइंट ज़ीरो एट ठीक है यहाँ पर तो वो माइनस एंड प्लस साइन कैंसल आउट हो जाएगा और ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इस तरह से हमारे पास हैसिस ला की दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो गई ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर